नमस्कार मंचनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा और अभी अभी खबर आ रही है हर पल की खबर और पल पल की खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। और अभी भी खबर आ रही है कोसी से, जहां एक स्कूली वाहन पलटने की घटना हुई है जिसमें कई बच्चों के घायल होने की सूचना मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता है लोकेश गर्ग जो मौके पर मौजूद है, बताएंगे क्या कुछ हुआ। लोकेश बताइए जरा वहाँ पर। अभी सर LS2 गोशीकला डीजेल नर्सिंग होम के पास अमेरिकन फिरजी की बस जिसमें 22 बच्चे थे जो टायर फटने से गड्ढे में जा गिरी। जी तो क्या कितने बजे की बात रही है, कि कहां की बात रही है ये सर? NH2 डीजेल नर्सिंग होम के पास गोशीकला। जी तो कितने बच्चे घायलों की सूचना है लोकेश जी? सर इसमें 22 बच्चे थे जिनको जब बच्चों में चीखने की आवाजें आई थी तो बच्चों परिजन आए थे, पड़ोसी आए थे, तो क्लास को छोड़कर बच्चों को सकुशल निकाला पानी में से। अच्छा तो कौन सा वाहन था ये जिसमें बच्चे सवार थे और कौन से स्कूल की बस है ये? ये पालिस थी, एक किर्जी अमेरिकन किर्जी की पालिस थी। अमेरिकन किस नाम का स्कूल था, क्वालिस वाहन था? क्वालिस में आप देखिए, आप बताइए, आप खुद ही बताइए, एक क्वालिस में क्या 22 बच्चे, क्या 22 बच्चे ठूसे जा सकते हैं? इसका मतलब तो ये है कि बच्चों को बिठाया नहीं गया था, बच्चों को ठूस कर ले जाया जा रहा था उस क्वालिस के अंदर है। हाँ सर बस बिल्कुल, ये क्वालिस बिल्कुल खटारा गाड़ी थी, टायर घिसे हुए थे इनके, टायर घिसे हुए के टायर फटा था। तो आप बताएं कितने बच्चे घायल हुए उसमें और कितने बच्चे की हालत ज्यादा सीरियस है? सर बच्चे सीरियस तो नहीं है, पर कुछ बच्चों में मामूली चोट आई जिनके फ्रैक्चर भी हो गया है। जो इसमें से हमको 7 बच्चे मौके पर मिले, बाकी बच्चों का पता नहीं। किसी जो NH2 पर सारे हॉस्पिटल हैं, हमने सारे हॉस्पिटलों में जानकारी की, किसी हॉस्पिटल में बच्चे नहीं मिले। 25 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चे आपको घायल मिले हैं, बाकी का पता नहीं है। बच्चे कहाँ भेज दिए गए, कहाँ इलाज कराया जा रहा है उनका? प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है इसमें, किसकी लापरवाही सामने आ रही है इसमें? सर स्कूल की लापरवाही सामने आती है, जो बच्चों को पुरानी बसों में, ये पुरानी गाड़ियों में टायर घिसे हुए टूटी बसों में ले जाते हैं, टूट टूट पर बच्चों को भरते हैं, परिजनों से अराधन पैसे लेते हैं, इन पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। तो आपकी स्कूल प्रबंधन से बात हुई अमेरिकन क्रिश्चियन? प्रबंधक यहाँ मौके पर नहीं है, प्रबंधक बाहर है। और मैंने स्कूल के टीचरों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कुछ भी नहीं पता। अच्छा तो बच्चों की दशा कैसी बताई जा रही है, ठीक ठाक हैं या चोटिल हुए हैं? नहीं चोटिल हुए, जो मौके पर मिले उनके चीख रहे हैं, किसी का दर्द हो रहा है, किसी को जो मौके पर मिले। तीन बच्चे मनु कोमल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश है। कम से कम 22 बच्चे उसमें, बच्चे दो बच्चे ये अपने घर लिया है, उसका इलाज नहीं करने के लिए किसी को नहीं भेजा, इसने घर बैठा रहा के बच्चे, अभी ये नहीं बता रहे बच्चे कहाँ है, कोई पता चल जाए सबसे हो गए, स्कूल बंद होना चाहिए। कौन से स्कूल की घटना है ये? अमेरिकन स्कूल की घटना है, पठन के स्कूल के कोई प्रिंसिपल वगैरह? प्रिंसिपल उधर है उसमें स्कूल में ही। अच्छा आया नहीं है वो बच्चों को देखने? नहीं हो रही, वही पे सब मैडम सब कहिए। बच्चों को कौन ले गया? बच्चों को टम्बू वाला ले गया, इनके साथ चला गया पता नहीं। नहीं टम्बू वाला कौन था? टम्बू वाला पता नहीं, उसमें हमने बच्चों को धरा, सबको निकाला उसमें से, और जब उसमें बच्चों को करके जब छोड़ा मन किसको ले जाओ, बच्चों को पता नहीं है कहाँ है, कहाँ कुछ नहीं पता। अभी अपनों को ले आया, इसमें धर लिए अपने लाके, इसमें धर रही है। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम जी नरेंद्र है। हाँ क्या हुआ जी? ये गाड़ी इधर से आ रही थी पुल पे, यहाँ पुल पे चढ़ने के लिए, इसकी रफ्तार ऐसी होगी 40-50 की रफ्तार पे होगी, यहाँ आगे इसका टायर फट गया, उससे बैलेंस बिगड़ के जब ये इसमें गिर गई गड्ढे में। अच्छा उसके बाद ये पलट गई, जब वहाँ से हम भाग के आए, जब उसमें 22 बच्चे बता रहे थे, 22 बच्चे निकाल लिए गए हैं पूरे। अच्छा बच्चे सही सलामत हैं, किसी को लगा लगी नहीं हुई है, ये गाड़ी बिल्कुल पलट गई थी, उसमें भीतर घुस के बच्चे निकाले गए हैं। गाड़ी टायर फटने से हुई पलटी थी? टायर फटने से ही बता रहे हैं। कौन से स्कूल की गाड़ी थी ये? अमेरिकन किड्स की है। अच्छा कोई टीचर वगैरह, कोई प्रिंसिपल वगैरह आए थे बच्चों को देखने के लिए फिलहाल? अभी तो यहाँ पे तो कोई नहीं आया है, हमने पहुँचाए बच्चे अस्पताल में, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा बच्चों के अभिभावक कोई भी? अभिभावक हैं, कुछ होंगे आ गए हैं, जिनके पास सूचना पहुंच गई है उनके पास बच्चे अभिभावक आ चुके हैं। अच्छा और उनको अस्पताल लेके गए हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं वो। इस खबर के प्रायोजक थे
जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICTE से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डी फार्मा कंप्यूटर इंजीनियरिंग 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट कैंप ऑफिस कोसीखुर्द भरतपुर रोड मथुरा हमारा मोबाइल नंबर है 08979000125 08979000126 तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मथुरा।